अस्सलाम वालेकुम रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं आरिफ। बुलेटिन का आगाज़ करें, सबसे पहले खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हमारे नुमाइंदे इफ्तिखार अली की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद का सीपीओ के हमरा योम अली के मरकज़ी जुलूस के मुकाम का दौरा, मरकज़ी इमाम बारगाह डिकलसपुरा के बाहर सिक्योरिटी अलाक की मौजूदगी चेक की, इंतजामी हिफाजती अमूर का जायजा लिया, मेडिकल कैंप पर इंतजाम चेक किए गए। योम अली की तकरीबात के दौरान ड्यूटी अफसरान चौकस अंदाज में फराइज सर अंजाम दें। खबर शामिल करते हैं मुच्यारी से। हमारे नुमाइंदे हादिल खुश की इस रिपोर्ट के मुताबिक मुच्यारी में बाद ईद उल फितर की आमद को चंद रोज़ रह गए हैं, मगर बढ़ती हुई महंगाई के पेशे नज़र मुच्यारी की दुकानों में खरीदारों का रश न होने के बराबर, ईद की खरीदारी गरीब आवाम की पहुंच से दूर। मज़ीद तफसील मुच्यारी से आदिल खुश की इस रिपोर्ट में। हमारे नुमाइंदे वसीम खान की इस रिपोर्ट के मुताबिक तहसील अलीपुर से 13 साल का हाफिज कुरान का मुबैना कत्ल, मकतूल मोहसिन हमसायों के हमरा बकरियां चराने गया था, खेत में बकरियां दाखिल होने पर मुकामी जमींदार ने मुलाजिम से मिलकर बच्चे के गले में फंदा डालकर दरख्त से लटका दिया। मेहर थाना बी सेक्शन की हद में पुलिस का डाकुओं से मुबैना मुकाबला, दो तरफा फायरिंग में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, दो साथी फरार, असला और मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद। जख्मी डाकुओं को शनाख्त सदाकत वल मुख्तियार चांडियों के नाम से हुई है। एसएसपी दादू इरफान अली समूह मुलजिम राहगीर शहरियों को लूटने और मोटरसाइकिल स्नैचिंग की वारदातों में मुलविस था। एसएसपी दादू इरफान अली समूह जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकू और इसके साथियों ने चंद घंटे पहले शहरी दीदार उधर से मोटरसाइकिल छीनी और मजामत पर शहरी को जख्मी किया था। हमारे नुमाइंदे रईस अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कारोबारी सियासी समाजी शख्सियत और चेयरमैन अकील अब्बासी उर्फ गोशी की तरफ से अफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया। अफ्तार पार्टी की रहाइश गाह में मुनक्किद हुई, जिसमें डिप्टी स्पीकर मुर्तजा जावेद अब्बासी, तहसील लोड़ा मेहर इफ्तिखार अहमद अब्बासी और हैदर महफूज अब्बासी, राजा शहजाद रशीद अब्बासी, साबिक बार एसोसिएशन मरी के सदर नज़ीर अब्बासी, एडवोकेट राजा हबीबुररहमान अब्बासी, रॉयल न्यूज़ की रिपोर्टर रईस अब्बासी के अलावा मौजूदीन इलाका अजीज व अकारिब सियासी समाजी और कारोबारी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। थाना सदर जामपुर की हदूद मोजो शाहीन वाला में उबाश ने गरीब मेहनत कश की बेटी की इज्जत मुबैना तौर पर तार तार कर दी। गरीब मेहनत कश अब्दुल करीम इंसाफ के हसूल के लिए दरबदर धक्के खाने लगा, बासर करीबी रिश्तेदारों का मुदई पर सुलह के लिए दबाव, डराने धमकाने लगे। मजीद जानते हैं जामपुर से वकार अहमद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ऑफ जिला बागपतन आरिफ वाला में नून लीग की गुंडागर्दी के खिलाफ मजामती रैली निकाली गई, जिसमें पंजाब असम्बली में चौधरी परवेज इलाही साहब पर कातलाना हमले की भरपूर मजम्मत की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। रैली की क्यादत जिलाई सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ऑफ बागपतन राना असफर कादर और जिलाई सदर मुस्लिम लीग को ऑफ यूथ विंग डॉक्टर रहमान साइद बोतला ने की है। कोहिस्तान कौमी इत्तेहाद के चेयरमैन हबीब खान, मशावरती कौंसिल के अराकीन सलीम खान, गुल शहजादा सैयदुर रहमान, असद उस्मान ने मीट दी प्रेस प्रोग्राम में कहा है कि हमारी तंजीम का मकसद कोहिस्तानी कौम को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना है। रिपोर्ट कर रहे हैं मौतदली अपर सवात से। सवात कोहिस्तान कौमी इत्तेहाद के चेयरमैन हबीब खान चमोट और दीगर मशावरती कौंसिल के अराकीन सलीम खान, गुल शहजादा उस्मान खान कोहिस्तानी और सैदुररहमान ने एक मीट द प्रेस प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि हमारा मकसद कोहिस्तान कौम को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करना है और इनके बुनियादी मसाइल हल करना है। कहा कि खसूसन कराची में हमारी कौम के लोगों को शदीद मसाइल का सामना है, जिनमें शनाख्ती कार्ड का हसूल, डोमिसाइल का हसूल, हस्पताल में मसाइल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हम पूरे पाकिस्तान में अपने कोहिस्तानी कौम के लोगों के मसाइल हल करना चाहते हैं। उन्होंने कोहिस्तानी कौम से अपील करते हुए कहा कि आए और हमारे साथ मिलकर कौम की फलाह व बहबूद के कामों में हमारा साथ दें। कहा कि हमारी तंजीम में इस वक्त 300 के करीब मेंबरान हैं और 5 अरकान पर मशावरती कौंसल है, और कहा कि हमारी तंजीम मुकम्मल गैर सियासी है, हमारा मकसद सिर्फ कोहिस्तानी कौम की फलाह व बहबूद है। तंजीम का तो मकसद ये है कि हम लोगों की खिदमत करेंगे। कोहिस्तान कौमी इत्तेहाद का नाम तो इसलिए दिया गया है कि इसमें जो लोग हैं
उनका ताल्लुक सारा यानी कि कोहिस्तान से है। बाकी हमारी कोशिश होगी, हम जितने तंजीमों को देखते हैं या ट्रस्ट बने होते हैं, ये ट्रस्ट किसी एक कौम के नहीं होते। ट्रस्ट का मकसद ये है कि जो भी जिसको किसी भी किस्म की परेशानी हो तो इंशाल्लाह ये तंजीम खिदमत करेगी इंशाल्लाह। मोहम्मद मुतर अली, रायल न्यूज़, अपर स्वात। तहसील गंबट के करीब जादूवाहन में हमीरची नहर के किनारों में लगी हुई सरकारी दरख्तों को रमज़ान शरीफ के बाबरकत महीने में काट कर फरोख करने वाले मुनीर अहमद शाहानी की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। तफसीलात के मुताबिक दरख्तों को काटने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही रॉयल न्यूज़ टीम जायवुका हदूद पर पहुंची तो दरख्तों को काटने वाले नामालूम अफराद में भागदौड़ मच गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तहसील गंबट से हमारे नुमाइंदे अली राजा जामरू से। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हुआ चलूं कि जैसे ही रॉयल न्यूज़ टीम जादोवाहन जाए वाकई हदूद पर पहुंची तो रॉयल न्यूज़ टीम से करीबी गांव वालों ने बातचीत करते हुए कहा कि सर्वेयर मुनीर शाहानी पिछले 7 रोज़ से दरख्तों को काटकर रात के अंधेरे में ट्रकट ट्राली में लोड करके ले जाता है और फिर सुबह के वक्त उनको फरोख्त कर रहा है, जो आने जाने वाले मुसाफिरों के साथ सरासर जुल्म है। दरख्त हमें धूप के वक्त साया देते हैं, सरकारी दरख्तों को काट कर फरोख्त करना कौन सी कानूनी हरफ में लिखा हुआ है। मैं आपको यह भी बताया चलूँ कि गाँव वालों ने इला हुकाम से अपील करते हुए कहा कि सर्वेयर मुनीर अहमद शाहानी के खिलाफ जल्द अज जल्द कानूनी कार्रवाई करके उसको कानूनी गिरफ्त में लाया जाए। जी चूनिया में तहफ़ुज़े नमूसे रिसालत के हवाले से तहरीक लबैक की जानिब से रैली का इनेकाद। चूनिया में तहरीक लबैक के कारकुनों ने गुस्ताखी रसूल पर रैली निकाली। तहरीक लबैक ने हॉलैंड में होने वाली हुरमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली निकाली। रैली के शुरका ने बैनर और खुतबे उठा रखे थे जिन पर हॉलैंड के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली के शुरका का कहना था कि लीडरों के लिए तो निकलते हो, तहफ़ुज़े नमूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी निकलो। समुंदरी से आपको बताएं, पेट्रोल मालकान का कहना है कि हमें जिस हिसाब से पीछे से जितना डीजल मिल रहा है आगे फरोख कर रहे हैं। हम डीजल सेल्स के बजाय किसानों और सरकारी गाड़ियों को मामूल के मुताबिक डीजल फरोख कर रहे हैं। पंप मालकान समुंदरी होलसेल डीलर्स को इसलिए नहीं डीजल देते, ये महंगे दामों डीजल की फरोख करते हैं। हम कल भी इनसे डीजल लेकर गए थे और आज भी लेकर जा रहे हैं, किसानों का ऐसा कहना है। हमारे नुमाइंदे रियाज नूल की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का साल 2021-20 की आमदनी और अखराजात का जायजा लिया गया। इजलास में डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर रियाज हुसैन मारत समेत कमेटी मेंबरात ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जंग शाहिद अब्बास जोया ने कहा कि सोसाइटी के पार्क में नीलामी दरख्तों और सोसाइटी में मजीद सायादार दरख्त लगाए जाएंगे। मंडी भावदीन फालिया रोड रिक्शा पर मुसल्ला मोटरसाइकिल सवारों की अंधाधुंध फायरिंग, 2 अफराद जांबाग, 2 खातीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए, 1 की हालत नाजुक लाहौर रेफर कर दिया गया। मंडी भावदीन में फालिया रिक्शा रोड रिक्शे पर मोटरसाइकिल सवारों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर तारीख पेशी पर जाने वाला एजाज साकिन ढोक का सबब मौके पर जांबाग हो गया। गांव फैज मोहम्मद चांडियो, आग मुतासरीन के लिए आने वाले सामान से पुलिस एहलकारों की जानिब से सामान लेने का मामला। एसएसपी दादू इरफान अली समूह ने मजीद 7 पुलिस एहलकारों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया, जिसके बाद अब डिसमिस होने वाले एहलकारों की तादाद 14 हो गई। एसएसपी दादू इरफान अली समूह ने 2 ASI समेत 14 पुलिस एहलकारों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया है। चंद रोज कबल रात देर गए बहरिया टाउन कराची से आने वाले इमदादी सामान की 5 ट्रकों में से 2 ट्रक पुलिस एहलकारों की जानिब से गायब करने के मामले पर ये सारी बातचीत हुई। खबर शामिल करते हैं सालियापट से हमारे नुमाइंदे सकलैन चंपानी की रिपोर्ट के मुताबिक सालियापट पाकिस्तान की सरहद कश्मीर बॉर्डर पर शहीद होने वाला पाक आर्मी के 22 साल नौजवान शहीद मोटन खान चंपानी को अपने आबाही गांव सालियापट पहुंचा दिया गया है। शहीद मोटन चंपानी पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करते हुए वादी कश्मीर नीलम में दुश्मनों की तरफ से गोलियाँ लगने से शहीद हुआ था, जबकि शहीद जवान 10 माह पहले पाक आर्मी में भर्ती हुआ था। शहीद होने वाले
जवान की यूनिट का ताल्लुक 11 ब्लोच रेजिमेंट से हुआ था, जिसके जनाजे नमाज जनाजा पाक आर्मी के ऑफिसर्स की मौजूदगी में अदा कर दी गई है। खैरपुर नाथिन शाह से आपको बताया, आतिशजदगी से मुतासरीन के इमदादी चेक पास ना होने का मामला, चेयरमैन नादरा तारिक मलिक का खसूसी इकदमा, चेयरमैन नादरा का डीसीओ दादू और डीजी नादरा सिंह से राबता, मुतासरा गांव में फौरी मोबाइल वैंस भेजी जाएंगी, चेयरमैन नादरा अंगूठों के निशानात लेकर शिनाख्ती कार्ड बनाए जाएंगे, तमाम मुतासरीन को फौरी बिला मुआवजा शिनाख्ती कार्ड बनाकर दिए जाएंगे, इससे पहले शिनाख्ती कार्ड मुतासरीन के हवाले करने को यकीनी बनाया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं मरीका। रईस अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक सीटीओ रावलपिंडी के अहकाम पर डीएसपी ट्रैफिक मरीका ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही मुहिम का आगाज, शहरी ट्रैफिक कवानीन पर अमल पैरा हो कर अपनी और दूसरों की जिंदगी को महफूज बना सकते हैं। डीएसपी ट्रैफिक मरी आसिफ कमाल, ट्रैफिक कवानीन शहरियों की हिफाजत के लिए है। मीरपुर माथेलो से आपको बताएं, संदाहारी कमेटी के साबिक चेयरमैन मरहूम कॉमरेड मांधल शर की बेटी करोही की मकीन जुर्का शर और दीगर गांव मकीनों ने तहर की और मीरपुर माथेलो में बढ़ने वाले बदअमनी के खिलाफ एसएसपी ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा, धरना और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मीरपुर माथेलो और तहरकी में बदअमनी अरूज पर पहुँच चुकी है, लेकिन पुलिस ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। मेहर के सोशल वर्कर जुबैर समूह को चर्च के झूठे केस में नामजद करने के खिलाफ शहरी इतिहाद के चेयरमैन नियाजी अली ब्रोड, सदर अब्दुल सत्तार चना की क्यादत में रैली निकाली गई, घंटाघर चौक पर धरना, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। तहसील फैजगंज के चार बड़े नहरों में आपाशी अमले की सरपरस्ती में पानी चोरी होने लगा, पानी की शदीद खोट से आबादगार सख्त परेशान, 8 दिनों की वारबंदी के बाद जैसे फैजगंज नहर में पानी आया तो आपाशी अमले की सरपरस्ती में बासर वडेरी पानी चोरी करने लगे, जिस वजह से किसानों में बेचैनी की लहर। रिपोर्ट शहजाद अली चांग, रॉयल न्यूज ने। बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शहर में डकैती की वारदातों में मुलविस 3 मुलजमान को गिरफ्तार करके लाखों रुपए नकदी, तलाई जेवरात और असलाह बरामद कर लिया और उनके खिलाफ दर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना सिविल लाइन के एसएचओ माशूक शर और एसएचओ सिटी अख्तर आबरों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एसएसपी सुमेर नूर चन्ना के सख्त अहकाम पर मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे गए, जिसमें डकैत गैंग के 3 मुलजमान को गिरफ्तार करके कब्जे से 35 लाख रुपये नकद और 8 तोले तलाई सेवरात बरामद कर लिए गए हैं। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, हमारे नुमाइंदे इफ्तखार अली की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद रिजन मिर्जा अंजुम कमाल की जानिब से पेट्रोलिंग पोस्ट कमालपुर की सरप्राइज चेकिंग, नाकिस सफाई और डिसिप्लिन पर इंतजार पोस्ट और मुहर्रर की सरजनिश, फैसलाबाद रिजन एसएसपी पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद रिजन मिर्जा अंजुम कमाल ने पेट्रोलिंग पोस्ट कमालपुर की सरप्राइज चेकिंग की। इस दौरान पेट्रोलिंग पोस्ट पर जवानों की हाजिरी, डिसिप्लिन, टर्न आउट, असला पोस्ट की सफाई और क्राइम एंड कंट्रोल की सूरत हाल का जायजा लिया। डीजी खान के करीब हादसे में शहीद होने वाले पाक आर्मी के नायब मोहम्मद नदीम को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाके में सपुर्दे खाक कर दिया गया है। लियाकतपुर गुज़िश्ता रोज़ टांग से डीजी खान आते हुए पाक आर्मी की गाड़ी को हादसा पेश आया था, जिसमें चक नंबर 1988 का रहायशी नायब मोहम्मद नदीम शहीद हो गया था। जस्ते खाकी आबाई इलाका पहुँचा तो हर आँख अश्कबार थी। मोहम्मद नदीम को फौजी एजाज के साथ आबाई कब्रस्तान चक नंबर 1988 में सपुर्दे खाक कर दिया गया है। उमरकोट पीटीआई रहनुमा डॉक्टर अली नवाज शाहानी की क्यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर उमरकोट इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। उमरकोट पीटीआई रहनुमा डॉक्टर अली नवाज शाहानी की क्यादत में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा हुआ। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए शुरका का कहना था, मुनहरिफ अराकीन को डी नोटिफाई किया जाए, कौम चाहती है फौरन इंतखाबात किए जाए। डीपीओ उकारा फैसल गुलजार की हिदायत पर उकारा पुलिस की मुंशियात फरोशों और पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी, इस बारे में मजीद जानते हैं राणा तारिक महमूद की इस रिपोर्ट में।
DPO कड़ा फैसल गुलजार की हदायत पर मंशियात फरोशों और पतंग फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। थाना सदर दीपालपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश अशफाक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 3.5 किलो मंशियात बरामद करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दूसरी जानिब थाना बी डिवीजन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दीपालपुर चौक से पतंग फरोश को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से भारी मकदार में पतंगे और चरखियाँ बरामद करके काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम की शिनाख्त मोहम्मद अरशद के नाम से हुई। DPO काड़ा फैसल गुलजार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंशियात फरोशों और पतंग फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इंसानी जानों से खेलने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। कैमरा टीम के साथ राणा तारक महमूद, रॉयल न्यूज़ उकाड़ा। बिहारी से आपको बताएं, चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान की कॉल पर PTI के कारकुनान का इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा और धरना। मुजाहरे में शरीक कारकुनान ने हाथों पर सियाह पट्टियां बांध रखी हैं और गले में जंजीरें डाल रखी हैं। कारकुनान की इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दो के नारे। डेप्टी कमिश्नर सवात इन एक्शन, दीवाना शख्स बख्त रहमान की वीडियोस बनाकर तंग करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 4 अफराद को 3 MPO के तहत डगर जेल भेज दिया गया। डेप्टी कमिश्नर सवात जुनेद खान सवात मुआशरे के दीवाने और मजजूब अफराद का मजाक उड़ाना काबिले जर्म है। दीवाने बख्त रहमान की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ईद उल फितर के मौके पर मिसाली इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए डेरा गाजी खान की इंतजामी अलर्ट है। ईदगाहों, जामिया मस्जिद, खुली जगहों और इमाम बारगाहों में ईद इज्तिमात को तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएंगी। नमाज ईद की जगहों की खसूसी सफाई, लाइम लाइनिंग और छिड़काव भी किया जाएगा। फोर्ट मनरो समेत तफरी मकाम पर ट्रैफिक फ्लो के लिए इजाफी पुलिस तफरी तैनात होगी। सिक्योरिटी, म्यूनसिपल सर्विसज की दस्तियाबी मुमकिन बनाने के बारे में अहम फैसले कर लिए गए हैं। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे चीफ रिपोर्टर मियां काशिफ मुश्ताक भट्टी की इस रिपोर्ट के मुताबिक अफवाजे पाकिस्तान हमारे माथे का झूमर है। मौजूदा सियासी तनाजर में 5th जनरेशन वार का आला कार मत बने। सुबाई को ऑर्डिनेंस सेटर पंजाब दख्तरान पाकिस्तान प्रोग्राम मुनीबा खावर ने मौजूदा मुल्की सूरतहाल के पेश नज़र दख्तरान पाकिस्तान नौजवान पाकिस्तानों ममारान पाकिस्तान से मुखातिब होते हुए तमाम मुखाताब फिक्र पर जोर दिया कि वो मौजूदा सियासी सूरतहाल को 5th जनरेशन वार के तनाजर में ज़रूर देखें ताकि दुश्मन इससे कोई फ़ायदा ना उठा सके। DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाक फौज की तरफ से वासे पैगाम आ चुका है। मोहम्मद फहीम गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मांगा मंडी की हदूद कला कसोका में औरत पर भरे बाजार में तशद्दुद का वाकया पेश आया है। मुतासरा खातून नाजिया के मुताबिक वो अपने घर की मुरम्मत वगैरह कर रही थी और ईंटों का जमा शुदा कचरा अपने घर के बाहर उठा इकट्ठा किया ताकि इसे डेरी में डालकर बाहर फेंकाए। मुतासरा औरत का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहना है कि तनवीर नामी उपाश ने मेरे घर में ज़बरदस्ती दाखिल होकर बालों से पकड़ कर बाहर लाकर मुझ पर भरे बाजार में आलम गलोच की और तशद्दुद का निशाना बनाया, मेरे कपड़े फाड़ कर नईम बढ़ना कर दिया। मुतासरा औरत का कहना है। रुकनपुर से लियाकत खान दिश्ती की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह रुकनपुर में भी डीजल नायाब। डीजल के हसूल के लिए शहरियों का पेट्रोल पंप पर रश और लंबी लंबी लाइनें। डीजल ना मिलने से थ्रेशर्स बंद हैं, गंदम की फसल खुले आसमान में पड़ी है, जबकि मौसम ख़राब होने से काश्तकारों की गंदम की फसल का नुकसान होने का खदशा किया जा रहा है। मजीद काश्तकारों का कहना था कि डीजल की अदम दस्तियाबी से उनकी कपास की फसल भी वक्त पर काश्त ना होने से फसल को नुकसान पहुँचेगा, जबकि कुछ ने बताया कि पेट्रोल पंप मालकान के पास डीजल वाफर मकदार में मौजूद है मगर पेट्रोल पंप मालकान ने जखीरा कर रखा है ताकि मुमकिन कीमतों में इजाफे से वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें।
उमरकोट यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज की रिलीफ शुदा रेट पर सामान खरीदने वाले गरीब अफराद से तल्ख कलामी। उमरकोट यूटिलिटी इंचार्ज रिलीफ शुदा सामान देने के बजाय धमकी देने लगा। शहरी की शिकायत पर SHO सूफी फकीर पहुंचे, लेकिन उनसे भी बदतमीजी। राजा रस्ते स्टॉप पर कायम यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज सस्ते रेट पर सामान लेने के लिए आने वाले शहरियों से बदसलूकी करने लगा। खानपुर महर के करीब डकैती का वाकया। स्कूली शागिर्द से डकैतों ने मोटरसाइकिल छीन ली। खानपुर महर पुलिस और जरवार पुलिस ने हदबंदी का बहाना बनाते हुए NC दर्ज करने से इनकार कर दिया। इनका अपने भाई के हमरा तालका प्रेस क्लब खानपुर महर में एहतजाज। PPHI की नाहली के बायस इलाके में सैकड़ों BHUs गैर फाल हैं। बलोचिस्तान जिला कोहलू में महकमा सेहत और PPHI की नाहली के बायस इलाके में सैकड़ों PHUs गैर फाल हैं, जबकि इलाके में अद्वियात की भी फुकदान है। इस हवाले से अवामी हलकों से रॉयल न्यूज़ के मुकामी सहाफ़ी को बताया कि बलोचिस्तान जिला कोहलू के दूर दराज इलाकों समेत हर गली कूचे में एक ही HO तमीर है, मगर महकमा सेहत और PPHI की नाहली के पास कोई भी HU फाल नजर नहीं आता। PHUs के डॉक्टर और स्टाफ मुफ्त में भारी तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। नूरुल्ला बजंजो की रिपोर्ट के मुताबिक लसबेला वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान कदूस बजंजो से मारूफ कबायली शख्सियतों डेरा मोहम्मद हसन जामोट की मुलाकात में वडेरा मूसा जामोट, वडेरा रहीम बख्श जामोट व दीगर शामिल थे। जिला लसबेला के मसाइल से आगाह किया और मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मर्दान से आपको बताएं, शहरियों की शिकायत पर AC मोहम्मद शुजैन की मुख्तलिफ मार्केटों पर छापे। 9 दुकानें सील जबकि 9 टेलर्स गिरफ्तार। शहरियों की शिकायत वसूल होने पर टेलर्स की जानिब से शहरियों से मुंह मांगी कीमत वसूल की जा रही थी। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मुफ्ती बशीर जान बहजोर के तहसील मोमंत इलाका बदान में नामालूम अफराद की फायरिंग से जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मुफ्ती बशीर जान बहक तनी मामून बदान चौक के करीब 2 मोटरसाइकिल सवारों की अंधाधुंध फायरिंग से जमीयत उलमा इस्लाम के सबका उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली मुफ्ती बशीर मोहम्मद जहाँबाग नामालूम अफराद ने करीब से फायरिंग की। सर पर गोलियाँ लगने से मौके पर जहाँबाग हुए। मुफ्ती बशीर को फायरिंग के बाद इलाज के लिए तश्वीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हार मुंतकिल कर दिया, ताहम वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन अफजाल अहमद की ज़ेर सदारत महकमा स्पेशल एजुकेशन का आला सतह इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डायरेक्टर जनरल स्पेशल एजुकेशन परवेज इकबाल भट्ट और महकमे के सीनियर अफसरान मैडम फौजिया खुर्शीद, जाहिद मजीद गुलाम, मुर्तजा राव जमाल, अब्दुल नाफे और पंजाब भर के डिस्ट्रिक्ट अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट अफसरान ने सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन की रिपोर्ट भी पेश की गई। सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन अफजाल खान अहमद ने कहा कि तमाम डिस्ट्रिक्ट अफसरान को हिदायत जारी की हैं कि स्पेशल एजुकेशन के इदारों को रोजाना की बुनियाद पर चेक करें। पसरूर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। माह मुकदस में सहरी और अफतारी के औकात कार में रोजादारों को महकमा वापटा की जानिब से अजियत दी जाने लगी। पसरूर से देखते हैं अवैस राजपूत की ये रिपोर्ट। पसरूर शहर समेत गिरदोनवा में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुकदस माह रमजान में रोजे रखने वाले रोजादार शदीद परेशान हैं। देहातों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया है। बेशतर देहात में 12 घंटे से भी जायद हो चुका है। महकमा वापटा के आला अफसरान के दावे दावों तक ही महदूद हैं। रमजान के माह में बिजली की लोड शेडिंग बिल्कुल खत्म कर दी जाएगी, जबकि इसके बरअक्स है। महकमा वापडा ने सहरी और अफतारी के वक्त भी बिजली बंद करके अवाम को अजियत देना शुरू कर रखी है, जिसके बायस रोज़ादारों को सहरी और अफतारी में मुश्किलात का सामना है। रोज़ादारों का कहना है कि लोड शेडिंग को फिलफोर ख़त्म किया जाए और खुदारा सहरी और अफतारी के औकात कार में लोड शेडिंग बिल्कुल भी ना की जाए। अवैस राजपूत, रायल न्यूज़, पसरूर।
ब्यूरो चीफ अवैस रजा की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही गांव अनोखा में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 5 साल बच्ची का मुबैना कत्ल हो गया। थाना लालिया के हदूद अनोखा में 5 साल बच्ची का मुबैना कत्ल। रात गए बच्ची की बोरी बंद लाश बरामद। सुबह 10 बजे 5 साल माहनूर का घर से चीनी लेने गई। वापसी न आने पर पुलिस को अगवा की दरख्वास्त जमा करवाई। वालिद शाहिद कुरैशी 12 घंटों की तलाश के बाद घर के पास से बोरी बंद लाश बरामद हुई। कमालिया से आपको बताएं, बिराला ब्रांच नहर के किनारे आसपास के मकीदों ने जानवर छोड़ रखे हैं, जिसकी वजह से नहर के किनारे टूट चुके हैं। सड़क को भी काफ़ी नुकसान हो चुका है, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा रॉयल न्यूज़ कमालिया मलिक सफर इकबाल। आइए जान। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ बिराला ब्रांच नहर पर, जो कमालिया से गुजरती है। जखड़ पुल से लेके अड्डा भूसी तक जो नहर के आसपास के जो मकीन रहने वाले लोग हैं, वो अपने माल मवेशियाँ यहाँ पे लेके आते हैं। आप देख सकते हैं कि नहर जो एक तालाब का मंजर पेश कर रही है। इसके आसपास के किनारों को इंतहाई नुकसान पहुँच चुका है। ये मेरे पीछे देखें, ये जो रोड ये टूटने लगा है, इसको आधा नुकसान हो चुका है। किसी टाइम भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है और आसपास की फसलों को नुकसान हो सकता है, और जब नहर टूट जाएगी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो महकमा नहर का जो अमला है वो खाबे खरगोश है। उन्होंने आज तक ये जहमत तक नहीं की थे इसके आसपास के जो किनारे हैं उनको ठीक करवाया जाए, उन पर मट्टी डलवाई जाए, और जो लोग यहाँ पे नहर में आके माल मवेशियाँ लेके आते हैं उनको नोटिस दिया जाए। डीसी टोबा टेक सिंह से मुतालबा है कि वो जो महकमा अनहार का जो SDO है उसको नोटिस भिजवाया जाए, ताकि वो आसपास के लोगों को रोके और नहर को बड़े हादसे से नुकसान होने से बचाए। कैमरा टीम के साथ मलिक जफर इकबाल, रॉयल न्यूज़ कमालिया। जी खबर शामिल करते हैं रपा से। हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद लतीफ़ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहतरम जनाब नबीद असलम खान लोधी, MPA चौधरी तारिक शरीफ गुजर और चौधरी अब्दुल कयूम डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर साहिवाल के हमराह मोहम्मद अरशद खान लोधी ने फुटबॉल स्टेडियम का विजिट किया। स्पोर्ट्स ऑफिसर साहब ने ब्रीफिंग दी। इस मौके पर नबीद असलम खान लोधी ने तरक्याती काम की रफ्तार को तेज़ करने का हुक्म दिया। लिया से आपको बताएं, किसानों ने MM रोड को अड्डा काजी आबाद पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर माहर अब्दुल शकूर की रिपोर्ट के मुताबिक काश्तकारों की सड़क बंद करके हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कराची से पिशावर तक जाने वाली मुसाफिर और कैरेज गाड़ियों की लंबी लाइनें। थाना इलाहाबाद मोहल्ला जिलानी चौक में नमाज तरावी के वक्त हाजी अब्दुल खालिक के घर डकैती की वारदात। SHO थाना इलाहाबाद मौके पर पहुंच गए। इलाहाबाद मोहल्ला जिलानी चौक मारूफ आरती हाजी अब्दुल खालिक के घर सरे शाम डकैती की वारदात। दो नामालूम डाकू असले के जोर पर 7 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घर के अफराद नमाज तरावी पढ़ने लगे थे, किसी दौरान डाकू घर की दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुए और असले के जोर पर औरतों और एक बच्चे को यरगमाल बनाकर सेफ अलमारी से 7 लाख रुपए नकदी रकम लूटकर फरार हो गए। हमारे नुमाइंदे मलिक राशिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक कामुंकी थाना सिटी पुलिस ने 2 अफराद को दौरान गश्त मखशूश जानकर उनका ताकुब किया। मुलजमान हुसनैन और अब्दुल वहाब पुलिस को पीछा करते देखकर भागने लगे, मगर पुलिस ने उनको दबोच लिया और उनके कब्जे से 2 अदद पिस्टल बमा गोलियां बरामद कर ली। मुलजमान कामुंकी और नौशहरा वर्का के रहायशी थे। थाना सिटी पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब रुख करते हैं नारोवाल का। मोहम्मद अजमल शबीर की रिपोर्ट के मुताबिक जिना पब्लिक मॉडल हाई स्कूल गडियाला इलाका में बेहतरीन तालीमी खिदमात सर अंजाम देने वाला वाहिद इदारा बन चुका है। प्रिंसिपल राहत परियार, जिना पब्लिक मॉडल हाई स्कूल गडियाला का आगाज सन 2011 को हुआ और उसके मारज़े वजूद में आए हुए 12 साल का अरसा हो चुका है। ये इलाके में शानदार तालीमी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। इसमें क्वालिफाइड टीचर तलबा तलबात की तालीमी खिदमात के साथ साथ बच्चों की इखलाकी तरबियत भी करते हैं। थाना मोहम्मदपुर की हदूद में 2 मुलजमान ने मामूली तनाजे पर मसबी जहांगीर को कत्ल कर दिया था। तफसीलात के मुताबिक पुलिस थाना मोहम्मदपुर की काविशों से कत्ल के मुकदमे में मतलूब 2 रोपोश मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजमान हफीज़ुल्लावल मूसा खान और गुलाम सरवरवल मूसा खान ने रकबे पर कूड़ा क्रिकेट फेंकने के मामूली तनाजे पर फायरिंग करके मसबी जहांगीर को सकाफियत से कत्ल करके फरार हो गए थे। DPO राजनपुर मोहम्मद अफजल ने वाकये का फौरी नोटिस लेते हुए SDPO जामपुर और SHO मोहम्मदपुर नवीद आफ्ताब की सरबराही में मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए खसूसी पुलिस टीम तश्कील दी थी।
इस्लामाबाद से जीए का एहलकार मसीहा के रूप में भेड़िया बनकर बिंदे हवा को हवस का निशाना बनाता रहा। इस्लामाबाद से जीए का एहलकार मसीहा के रूप में भेड़िया बन गया, हवा को हवस का निशाना बनाता रहा। साइला इंसाफ की अपील के लिए इस्लामाबाद के थाना आपारा दरख्वास्त लेकर पहुंच गई। इसी हवाले से देखते हैं इस्लामाबाद से महमूद खान की ये रिपोर्ट। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी साहिला जो कि ज़्यादती का शिकार होती रही है। उस्मान अली नामी लड़का है जो कि सीडीए का मुलाजम है, इन्फोर्समेंट का और सुपरवाइज़र है सीडीए का, और वो एक इनका मकान भी गिरा दिया गया है और इसी मद में ये इनको ब्लैकमेल करता रहा है और इनके साथ ज़्यादती अज़नाकारी भी उसने की है और आज ये हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं। उस्मान 4 साल से वहाँ पर रह रहा था, इसने भी आके यहाँ पर कब्ज़ा किया और हम 18 साल से वहाँ पर रहते हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, मेरी फैमिली में मेरे 2 बेटे और मेरा खावंद है। खावंद मेरा मिर्गी का मरीज़ है और मेरा एक बेटा कैंसर का पेशेंट है जिसकी हर दूसरे तीसरे महीने टांग में से पस वगैरह निकालते हैं, वो लाइफ की ग्रो है, तो वो जो है मिल के ये सब कुछ करता है। लहजा मेरी वज़ीर आज़म से, आईजी साहब से रिक्वेस्ट है कि जो भी इसके सीडीए के अंदर माफिया बैठा है या इसके अलावा जो भी हैं उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि बाकी किसी औरत के साथ इस तरह की ज्यादती ना हो और ब्लैकमेलिंग ना हो। अब हमारे सरों पे छत भी नहीं है, हम तंबू में रह रहे हैं। कल रात को ये फिर आया है, मगनी नामी लड़के को धमकी दे के गया, कहता है कि मैडम किधर है, मैं सो रही थी, ज़ाहिर है मैं दिन को ड्यूटी करती हूँ, शाम को थोड़ी देर सोने के लिए मिलता है, सुबह रोज़ा होता है। तो उसको कहता है कि उसको कहो मेरा जो कर सकती हो कर लो, ना मैं पैसे वापस करूँगा और मज़ीद अगर कुछ मेरे ख़िलाफ़ गई तो मैं आके तुझे भी मार के जाऊँगा। आते जाते रास्ते में मैं तुम्हें देखता रहता हूँ, मैं तेरा पीछा कर रहा हूँ या मैं रात को तेरे आके बच्चों को सोए हुए को सुला जाऊँगा। जी वीडियोज़ भी हैं, रिकॉर्डिंग भी है, मौजूद है हमारे मेरे पास। इसके नाम इसके साथ हैं एक शराज नाम का बंदा है और इमरान उल्ला है, वो तो हमें सरेआम पता है कि वो इसको अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं। जी वो कह रहा है कि सीडीए के चेयरमैन का फुल हाथ है मेरे साथ, सपोर्ट है, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि मैंने उसे कहा था मैं चेयरमैन साहब के पास जाऊंगी, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी जाके, तो उसने मुझे आगे से ये जवाब, ये बड़ी गेम के साथ हमारे साथ मीठा बन के कैंसर शुको थानम तक भी गया, आगे पीछे भी मेरा बेटा जहाँ जहाँ एडमिट होता था बड़ी हमदर्दियाँ जताता था। इसी बहाने से ये मुझे कहता था वो फलां जगह अमदाद दिलवाऊँगा, फलां बहुत अच्छी हैं, वहाँ लेके जाता था और मुझे ये कोई नशा और कोई टैबलेट चाय में इस तरह डलवा देता था और ये मेरे साथ होता था। ज़ाहिर है बंदा किसी के घर जाता है इमदाद की लालच में कि शायद मेरी कहीं से इमदाद हो जाएगी, मेरा बच्चा बीमार है, मेरे कोई इलाज बेहतर हो जाएंगे, किसी के चेहरे पे तो कुछ नहीं लिखा होता। तो उसमें आगे से इसने जो बंदे उधर होते हैं उनके साथ मिल मिलाप करके उसमें कोई ना कोई चीज़ होती थी। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना है हमारे साथ जो साइला मौजूद है, साथ किस तरह एक सीडीए का दरिंदा सफ इंसान जो कि इनके साथ ज्यादती करता रहा और लड़कियों के भी साथ ज्यादती करता रहा और इनके बेटे को। खबर शामिल करते हैं चिन्योट से, हमारे नुमाइंदे काशिफ सुल्तानी की रिपोर्ट के मुताबिक चिन्योट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की हिदायत पर पुलिस का मुंशात फरोशों के खिलाफ भरपूर ब्रेकडाउन जारी। थाना सिटी पुलिस की मुखबिर की इतला पर कामयाब कार्रवाई, मुंशात फरोश गिरफ्तार। मीरवाला की रायशी अलीमा दुकान पर गई वापस आई, बच्ची को नाश करीबी फसलों से बरामद हुई, बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया जाने का अंदेशा। दीपालपुर एएसपी अवैस खान, डीएसपी सर्कल ओकारा, सदर दीपालपुर मलिक कलब सजाद, एसएचओ थाना हजरा शाह मुकीम जवेद खान मौके पर पहुंच गए, नाश को पोस्टमार्टम के लिए टीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल किया। खबर शामिल करते हैं कोयटा से, हमारे नुमाइंदे इमदाद अली चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन कोयटा शेख अबलोच, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कोयटा और असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा फारूक अब्दुल्ला, असिस्टेंट कमिश्नर सरियाब, असिस्टेंट कमिश्नर सदर, असिस्टेंट कमिश्नर कोचलाक के हमरा स्पिनी रोड पर सफाई मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है। ईद उल फितर से कोयटा शहर की मुकम्मल सफाई के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं मुस्तफाबाद का। मुस्तफाबाद में बाजार में जनरेटर में पेट्रोल लीकेज के बायस जनरल स्टोर में आग भड़क उठी, इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीमें मौके पर पहुंच गई। अंजमन ताजरान तहाद ग्रुप के सदर मलिक गुलाम रसूल का कहना है कि हम शुक्र गुजार हैं रेस्क्यू 1122 के टीम का जिन्होंने मौके पर आकर आग को काबू पा लिया। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुस्तफाबाद में। मुस्तफाबाद में जो कि जनरेटर का शॉर्ट सर्किट होने की वजह से मुस्तफाबाद बाज़ार में आग भड़क उठी और इनसे जानते हैं ये अंजमन ताजरान के सर साहब से जानते हैं कि कितनी माली का नुकसान हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम जी, माली तो 20 से 25 लाख का नुकसान हुआ है, नुकसान की कोई बात नहीं है, शुक्र अल्लाह पाक का कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है।
रेस्क्यू की टीम मौके पे पहुंच गई है, इसने काबू पा लिया है। और मेरे जितने भी दुकानदार हैं इन्होंने बड़ी एफर्ट की है, सब दोस्तों का मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा और मेहरबानी है रेस्क्यू की जिन्होंने इधर पहुंच के हमारे दुकानदार को महफूज किया है। जी, जैसे कि आपने इनकी बात सुन, इनका कहना है कि जो हमारे दुकानदार भाई है उन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया और शुक्रिया अदा करते हैं रेस्क्यू 112 का, जो कि मौका पर पहुँच कर आग पर उन्होंने काबू पा लिया। जी, मियाँ चनू थाना सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बेनजलाई मुंशियात फरोश गिरफ्तार। 55 किलो मुंशियात की बड़ी खेप पकड़ ली। मियाँ चनू थाना सदर की हदूद चौकी जनियाली राना और एसआई गुलफराज, सीएसआई राना जिशान, आईए स्टाफ कांस्टेबल अख्तर कांस्टेबल साकिब की मुश्तरका कार्रवाई। फारूक चौक 96/15L से बेनजलाई मुंशियात फरोश गैंग का सरगना अहसन हयात वल बशीर अहमद कौम मलिक सकना गुजरावाला गिरफ्तार। DPO मुजफ्फरगढ़ की अलीपुर मकतूल मोहसिन के करामत, मकतूल के वर्सा से इजहार यकजहती और इंसाफ की यकीन दहानी। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद करीम उल्ला फारूकी से। पुलिस अफीसर कैप्टन रिटायर्ड तारिक विलायत की अलीपुर में कत्ल होने वाले 14 साल बच्चे मोहसिन के घर आमद और जाए वकुआ का विजिट किया। DPO की मकतूल के वर्सा से इजहार ताजियत और फौरी इंसाफ की यकीन दहानी कराई। वकुआ की हर जावे से तहकीक के बाद बच्चे के कातलों को कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। DPO मुजफ्फरगढ़ के हमारा SP इन्वेस्टिगेशन जियाउल्ला और DSP मुनव्वर बुजदार भी साथ थे। SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में तफ्तीशी टीम तश्कील दे दी जो मुकदमा की जल्द अज जल्द मेरिट पर तफ्तीश करेगी। लियाकतपुर गिरदोनवा में पेट्रोल पंप मालकान ने डीजल की फराहमी बंद कर दी। डीजल की फराहमी बंद होने से काश्तकार और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों के मालकान परेशान, कपास की बजाय भी मुतासिर होने का खतरा बढ़ गया है। हमारे नुमाइंदे रियाज नोल की रिपोर्ट के मुताबिक DG ने रमजान बाजार का विजिट किया। असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद मोगल भी इनके हमराह थे। इस मौके पर DG सनाउल्ला खान ने कहा कि पंजाब भर के रमजान बाजारों में खाने पीने की तमाम अशिया मार्केट से कम निरखों पर दस्तियाब हैं और हुकूमत की हिदायत पर रमजान पैकेज की बाकायदा निगरानी की जा रही है। आटा, चीनी, गोश्त, दालें तमाम अशिया कम रेट पर दस्तियाब हैं। हमारे नुमाइंदे मलिक राशिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक कमुकी थाना सदर के नवाही गांव दराजके में रात गए नामालूम अफराद की फायरिंग से सऊदिया पलट शख्स हलाक हो गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक रात तकरीबन 2 बजे के करीब 4 नामालूम अफराद दराजके गांव में दाखिल हुए, जिनकी फुटेज CCTV में वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। चारों मुलजमान ने मास्क मुँह पर चढ़ा रखे थे। मुलजमान ने एक वकास वल हफीज़ कौमनाथ के घर में दाखिल हुए और वकास पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से वकास मौके की पर जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। छरी मीरवा थाने के हदूद गांव मला मिंद्रो में 4 माह पहले कत्ल होने वाली शख्स का मुकदमा दर्ज न होने के खिलाफ वर्सा का शदीद एहतजाज। मजीद तफसीलात जानते हैं जवार हुसैन लगारी से। जी जवार, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ठहरी मीरवा के नवाई गांव मुला महेंद्रो के रहायशों को 4 माह से इंसाफ ना मिल सका। 4 माह पहले कत्ल होने वाले शख्स का मुकदमा दर्ज ना होने के खिलाफ इलाका मकनों का एजाज करते हुए असगर शर, मुबीन शर और दीगर ने कहा कि हमारे नौजवान को बासरों ने बुलाकर कत्ल करके नाश को पानी में फेंक दिया। पुलिस बासरों से मिली हुई है। पुलिस ने अब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। हम बार बार पुलिस की जानिब जा रहे हैं लेकिन पुलिस मुकदमा दर्ज करने के लिए साफ इनकार कर रही है। उन्होंने SSP खैरपुर और DIG सखर और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी, DIG बनू सैयद इशफाक अनवर ने अवामी मुकामात पर मुंशियात फरोशान और उनके जामनान की तस्वीर अवेजा कर दी। तमाम थाना जात में भी मुंशियात फरोश और उनके जामनों की तस्वीर लगा दी गई। DIG बनू सैयद इशफाक अनवर का कहना है कि मुंशियात के मकरूद धंधे ने हमारी नौजवान नस्ल और तुलबा का मुस्तकबिल तबाह कर दिया है। हमारी नौजवान नस्ल और माशरे को तबाह करने के जिम्मेदार मुंशियात फरोश और उनके सहूलतकार हैं। तस्वीरें इसलिए अवेजा की ताकि लोग इनकी पहचान कर सकें।
मरीदके की आबादी बस स्टॉप कच्चे कोठी मस्जिद पर नाजायज कब्जे से मना करने की रंजिश पर निसफ दर्जन मुसल्ला अफराद का दो मेहनत कश नौजवानों पर डंडों सोटों से हमला और फायरिंग, बदतरीन वहशियाना तशद्दुद से शदीद जख्मी कर दिया। मुतासरीन का दर्जनों रिक्शा ड्राइवरों के हमराह मुलजमान के गुंडागर्दी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा और पुलिस के आला हुकाम से फौरी नोटिस का मुतालबा। और अब खबर शामिल करते हैं ढेर की से। हमारे नुमाइंदे अब्दुल वहीद सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 20 सालों से जीटी रोड ढेर की जेवर हालिया का शिकार है, जिसका तामीराती काम शुरू हो गया, जिसके इफ्तिताह डेप्टी कमिश्नर घोटकी और मीर नूर मोहम्मद खान लोंड ने की। तफसीलात के मुताबिक ढेर की गुज़िश्ता 20 सालों से जीटी रोड ढेर की जबूर हालिया का शिकार था, जिसका आज से दोबारा रोड बनने का संगे बुनियाद रख दिया गया है। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MLA खालिद अहमद खान लूंट की फर्जन मीर नूर मोहम्मद खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिना कैसे मकसद के ढेर की शहर के आवाम की खदमत कर रहे हैं, जिसकी गवाही ढेर की में होने वाले तरक्याती काम दे रहे हैं। तहसील बेहड़ के नवाही गांव नूरपुर में अचानक आग भड़क उठी। कम्बरानी बरादरी के घरों में लगने वाली आग में 20 घर जल गए, जबकि घर में मौजूद मवेशियां भी झुलस कर हलाक हो गईं। घर में पड़ा लाखों रुपये मालियत का सामान और अनाज भी जलकर खाकस्तर हो गया। इतला पर फायर ब्रिगेड पहुंच गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और इलाका मकीनों ने आग पर काबू पा लिया, जबकि आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी है। तंगवानी के इलाके जबाल पुलिस थाना की हदूद गाटू सखी सुबदार में नंदवानी बरादरी के दो ग्रुपों में तसादुम, डंडे और कुल्हारियां लगने के बायस दो अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में मोहम्मद अजीम नंदवानी अब्दुल जबार शामिल हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तसादुम का वाकया मामूली बात पर पेश आया है, दोनों ग्रुपों में तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जफर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूल कॉलोनी गली नंबर 3 में सहूलियात का फुकदान, सीवरेज सिस्टम नकारा, सीवरेज का गंदा पानी शहरियों के लिए दर्द सर बन गया, सीवरेज सिस्टम तबाह, सीवरेज का गंदा पानी हर तरफ फैल गया, गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी, नमाजियों का मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना इंतहाई मुश्किल हो गया, जगह जगह गटरों का गंदा पानी ठहर गया है, औरतें बच्चों और बुजुर्गों का गुजरना बहुत मुश्किल हो गया, माहौल और सीवरेज के ठहरे पानी की वजह से मुझे अमराज फैलने लगे, शहरी शदीद अजियत पे मुबला, शहरियों का टलाइन ठीक का मुतालबा किया है, TM इंतजामिया खामोश तमाशाई। रॉयल न्यूज से फिलवक्त इतना ही, मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए रॉयल न्यूज।